हेलो बच्चों, तो आज हम हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आएगा। अब प्रेडिकेट क्या है वो हम आगे थोड़ा और, मतलब इस चैप्टर का स्टार्ट करने के बाद सेकंड पेज में हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, देखो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? ये एक सेंटेंस में दो चीज़ होती है। ठीक है, एक सेंटेंस को बनने के लिए दो चीज़ बनी हुई होती है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में हमें प्रेडिकेट बताता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। अभी इतना सुनो, आगे जाके हम पता चल जाएगा कि सच्ची में इसका मीनिंग क्या होता है। बट इसका सच्ची में इसलिए असली मीनिंग ये होता है सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ बताता है। ओके, तो यह है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। तो देखो, ये सेंटेंस को केयरफुली रीड करो। द वॉच इज ब्यूटीफुल। तो ये एक आंसर है। अब देखो, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? व्हाट इज ब्यूटीफुल? तो आंसर क्या होगा? द वॉच। द हाउस इज बिग। व्हाट इज बिग? द हाउस। ठीक है, द स्टीम इज हॉट। व्हाट इज हॉट? द स्टीम। तो मतलब अगर क्वेश्चन बनाना है तो हमें है ना प्रेडिकेट को लेना है, तो आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, ओहो, द ग्रेप्स आर सॉर। खट्टा है, ग्रेप्स खट्टा है। व्हाट आर सॉर? द ग्रेप्स। तो देखो, इन अबाउट सेंटेंस वी पुट अ क्वेश्चन व्हाट टू डू टू द वर्ब एंड वी गेट द आंसर वॉच हाउस टीम एंड ग्रेप्स। इन दिस सेंटेंस समथिंग इज सेड अबाउट दिस थिंग, सो दिस आर कॉल्ड सब्जेक्ट। तो ये वॉच, हाउस, स्टीम, ये सब है ना, द ग्रैप्स, द स्टीम, द हाउस, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। ओके, अब दूसरा, अब सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया कि वो सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, द वॉच, द हाउस, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। अब ये अगेन रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। एम आई अ प्लेयर? हु इज द प्लेयर? आई। ओहो, राधा इज अ सिंगर। हु इज सिंगर? राधा। सोनू एंड मोनू आर ब्रदर। हु आर द ब्रदर्स? सोनू एंड मोनू। द स्टूडेंट्स आर इन क्लास। हु आर इन द क्लास? द स्टूडेंट। इन द अबव सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन हु टू द वर्ब एंड वी गेट आंसर आई, राधा, सोनू एंड स्टूडेंट। दिस सेंटेंस समथिंग अबाउट, टेल अस अबाउट दैट दिस पर्सन, सो इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जो पर्सन के बारे में बताते हैं वो सब्जेक्ट है। नाउ टेक द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस एंड रिमेन पार्ट टू बी प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो प्रेडिकेट होता है। सो सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। हाँ, तो अब हमें ऑलवेज रिमेंबर में क्या रखना है? सब्जेक्ट के बारे में। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। पर्सन हो या थिंग हो, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउ अबाउ सेंटेंस आर डिवाइडेड इन टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स, रीड केयरफुली। ओहो, जैसे कि देखो, सब्जेक्ट द वॉच में, द वॉच इज ब्यूटिफुल, द वॉच सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो वजह वो प्रेडिकेट हो गया। द हाउस
इज बिगर, हाउस, द हाउस जो सब्जेक्ट हो गया इज प्रेडिकेट हो गया, द स्टीम इज हॉट ये प्रेडिकेट हो गया, द ग्रेप्स आर सोर्स, ठीक है। अब पता चल गया प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है ना, क्लियर। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, वेयर वी कंप्लीट अवर दिस एक्सरसाइज पार्ट। ओके, बाय, टेक केयर।